सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठवीं की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक संस्कृत में पत्र लेखन सीखा है, विलोम शब्द पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं। एक शब्द एक ही होता है लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। हिंदी की तरह संस्कृत में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ मैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लेकर आई हूँ, उसी के पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द में हिंदी की तरह ही है लेकिन उसमें विसर्ग लगाना या फिर उसे संस्कृत में किस तरह लिखते हैं, उनका उच्चारण किस तरह किया जाता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ इसका उच्चारण भी करेंगे और बाद में आप इसे अपनी कॉपियों में लिखकर और याद भी करेंगे। तो यहाँ पर क्रम संख्या, शब्द कौन से शब्द हैं और उनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। यहाँ मैंने एक ही शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। दो से अधिक भी होते हैं, तीन या चार भी होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आप लोगों को अभी बताने के लिए दो दो शब्द लिखे। पहला शब्द है अग्नि, अग्नि। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और अग्नि के अलग अलग नाम है पावक, अनल। वैसे हम हिंदी में भी पावक अनल अनल बोलते हैं, उसी तरह यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, ये संस्कृत में बोलते हैं अग्नि पावक अनल। दूसरा है पुष्पम, कुसुमम, सुमनम। कुसुम और सुमन हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन यहाँ पर म का उच्चारण है कुसुमम सुमनम। तीसरा है आकाश, आकाश, आकाश नभ गगनम। हिंदी की भांति है ये भी, हम नभ गगन बोलते हैं लेकिन यहाँ पर संस्कृत में विसर्ग लगा हुआ है नभ गगनम। अगला है वायु, वायु यानी हवा, हवा को पवनम समीर। नंबर पांच पर्वत, गिरी पर्वत, गिरी शैल पर्वत, गिरी शैल। नंबर छह सूर्य, सूर्य सूर्य, रवि भानु। नंबर सात पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरा भूमि भू और सारे शब्द हिंदी में बोलते हैं उसी तरह भूमि धरा। नंबर आठ पक्षी, खग विहग, पक्षी खग विहग। नंबर नौ जलम, नीरम अंबु। हम नीर अंबु हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर नीरम अंबु। नेत्रम जो आंख है उसे हम नयनम लोचनम, नेत्रम का नयनम लोचनम। वृक्ष, वृक्ष को पेड़ जो है उसके नाम है तरुह विटप, वृक्ष तरुह विटप। नंबर बारह चंद्रमा, चंद्र निशाकर। नंबर तेरह राजा, नृप नरेश, राजा को नृप नरेश। और नंबर चौदह है अध्यापक, शिक्षक गुरु। अध्यापक के और नाम क्या है, शिक्षक गुरु। इस तरह हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा, उनका उच्चारण सीखा। आप लोगों को अपनी अपनी फेयर कॉपी में इसे इन पर्यायवाची शब्दों को लिखना है, जैसा कि आपने विलोम शब्दों को लिखा वैसे ही पर्यायवाची शब्दों को भी लिखना है और उनका उच्चारण सही प्रकार से उच्चारण करना। और उच्चारण सीखेंगे आप, लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।